यस, वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गैनडा। डिस्कशन करेंगे हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा। आज क्लास टू है बिल्कुल। आई होप कि ऑडियो वीडियो इज ओके एंड कुछ टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ पे लाइव नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर से मैं यही ट्राई कर रही थी। चलिए, आप सभी लोग आ चुके हैं, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन फटाफट से। सो इसके पहले फर्स्ट क्लास हो चुकी है हमारी हायर एजुकेशन की यानी उच्च शिक्षा की। अगर वो क्लास आपने मिस करी है तो मेक श्योर कि जरूर से उस क्लास को देखिएगा, क्योंकि सारी क्लासेस या सारे कंसेप्ट आपस में इंटरलिंक है। सो इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में क्लासेस चलेंगी। जो भी हम लोगों का लेक्चर होगा, चाहे वो पीडीएफ के फॉर्म में चाहे एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में, दोनों ही भाषाओं को बिल्कुल तवज्जो देंगे। सभी को वेलकम है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड आप सभी से माफी चाहूंगी कि टेक्निकल इशू की वजह से और थोड़ा सा पीपीटी मेरी डिलीट हो गई थी, उस वजह से थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट लेट हुई क्लास। स्पेशल क्लास का मतलब होता है फ्री क्लासेस। अब आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। वहां पे मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करा दिया है, आईसीटी भी करा दिया है, साथ में वहां पे हमारा अभी पीडी चल रहा है यानी कि पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट चल रहा है। तो इन सारी क्लासेस को आप सभी देख सकते हैं। फटाफट से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। आप सभी का बहुत ढेर सारा प्यार मुझे अकेडमी पे मिल रहा है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर काइंड लव। एंड आप लोगों के लिए मैं क्विज भी ऑर्गेनाइज कराती हूँ डेली बेसिस पे, क्लास से संबंधित जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे लेक्चर दे रही हूँ उसी से संबंधित मैं आप लोगों को एवरीडे क्वेश्चन भी कराती हूँ, प्रश्न कराती हूँ। वहां पे आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। लीडर बोर्ड पे अपने रैंक को भी आप देख सकते हैं कि बाकी की तुलनात्मक आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, या आपका खुद से एक बेंचमार्क आप सेट कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, लर्न एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, अकेडमी का बिल्कुल फ्री है। अनलॉक कोड अगर आपसे पूछेगा, इनवाइट कोड पूछेगा, तो शेफाली यूनिवर्सिटी लगा दीजिएगा। एक भी रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री है। इनरोल करने के लिए क्लास में आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे प्रोफाइल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पीडीएफ आप खुद से भी वहां डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको शेयर कर देती हूँ। कुछ सीएसआईआर के बैचेस चल रहे हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इस क्लास के और बाकी सारी क्लासेस की, गैनडा बाय शेफाली ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और पुरानी क्लासेस अगर आपने मिस करी हुई है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप चले जाएंगे। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद में आपको कई सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको एनटीए यूजीसी नेट 2022 वाली ये वाली प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सीक्वेंस से सारी क्लासेस लगी हुई हैं, इनको आप देखिए समझिए। हमारा टाइम टेबल का जो स्लॉट है वो ये है, रोज हमारी 9 बजे क्लासेस चलती हैं, बट आज हमारी दो क्लास थी, एक 7 से 8 थी अनअकैडमी पे और 9 से 10 आज यहाँ पे चलने वाली है। गैनडा यूट्यूब चैनल पे मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ा चुकी हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा चुकी हूँ, हायर एजुकेशन हमारा चल रहा है और दूसरी क्लास है। फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में वेस्टर्न लॉजिक यहाँ पे क्लियर कवर करूंगी, फिर रीजनिंग और मैथ्स पे आएंगे। अनअकैडमी पे टीचिंग एप्टीट्यूड हो चुका है, आईसीटी हो चुका है, वहां पे पीडी चल रहा है, मतलब हमारी साइमल्टेनियसली दो दो क्लासेस चल रही हैं, ठीक। और इंडियन लॉजिक इसके बाद शुरू करेंगे, फिर आरसी और मैथ्स पे आ जाएंगे। सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए, जिस पे भी आप मुझे ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी क्लासेस की, एंड आपको क्विज का कोड मैं यही, मतलब क्विज भी जो आपको मैं प्ले कराती हूँ वो सारी चीजें मैं यही पे आपको देती हूँ कोड के माध्यम से। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मैंने पिन कर दिया है, वहां से भी आप ले लेंगे। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा सेशन को, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करिएगा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बिकॉज ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म फ्री है हमारा, सारी चीजें यहाँ पे फ्री में है। यूनिट नंबर 10 यानी कि उच्च शिक्षा की कुछ ये यूनिट्स हैं, हम लोग पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में शिक्षा का विस्तार किस प्रकार से हुआ, क्या कुछ शिक्षा के नियम थे, बुद्धिस्ट शिक्षा किस तरीके से आई, वोकेशनल ट्रेनिंग क्या कुछ हुए, आदि सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सभी लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, सभी की गुड इवनिंग है, सभी को वेलकम, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, सभी को वालेकुम अस्सलाम या सलाम वालेकुम अभिवादन, के जो भी शब्द आप सभी को प्रिय लगे उन्हीं शब्दों में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन, आभार है। सभी आज्ञा दीजिए मुझे ताकि आज का सेशन बिल्कुल मैं शुरू करूं। रुखसाना, गुलनाज, प्रीतम, सना, अद्विका, शीबा, शौकत अली, साधना, सभी का वेलकम है। भाई साहब आ जाइए फटाफट से, ज्वाइन होते हैं, 9 बजे हमारी क्लास चलती है बिल्कुल एवरीडे। सो इंट्रोडक्शन टू हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा में का इंट्रोडक्शन हम लोग ले चुके हैं कि किस प्रकार से विस्तार हुआ, एजुकेशन का मायने क्या कुछ है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कुछ प्रिंसिपल्स हैं, लेवल्स ऑफ क्वालिफिकेशन है, ये चीजें हम लोग देख चुके हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन किस तरीके से काम करता है, सेकेंडरी कैसे है, टर्शरी कैसे है, उसके अंदर में जो बाइफर्केशन है टर्शरी एजुकेशन का यानी तृतीयक शिक्षा का, हायर एजुकेशन किस तरीके से है, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग किस तरीके से काम कर रहा है। ऑडियो वीडियो आई होप कि बिल्कुल ठीक है, एक बार आप मुझे कंफर्मेशन दे देंगे कि ऑडियो वीडियो ठीक है या नहीं, थम्स अप करके या यस ऑडियो वीडियो ओके करके एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए। इंडियन सोर्स ऑफ नॉलेज हमने पढ़ा,
वेदास, स्मृति, दर्शन शास्त्र, पुराण, इतिहास, गीता, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, रामायण, महाभारत, पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, सांख्य योग, काफी सारी चीजें हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कशन कर लिया था। वेदांग समझा, व्याकरण का कुछ है, शिक्षा क्या है, ज्योतिष क्या है, निरुक्त क्या है, छंद और कल्प सूत्र को समझा, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन एनसेट इंडिया में किस प्रकार से शुरू हुई, ये सारे क्लासेस में हम लोग समझ चुके हैं। सद्योवाद समझा, ब्रह्मवादिनी समझा, जो पहले के टाइम में महिलाएं जो शिक्षा का अर्जन करती थी उनको किस प्रकार से जाना जाता था, उनके क्या कुछ नाम थे, ऋग्वेद क्या कहता है, सामवेद क्या कहते हैं, यजुर्वेद में क्या कुछ है और अथर्ववेद में क्या कुछ है। अब यहां तक हम लोग लास्ट पढ़ चुके थे, यहां तक हमने लास्ट कवर कर लिया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पढ़ लिया था। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आश्रम के बारे में समझेंगे, फुल फ्लेज आश्रम। फुल फ्लेज का मतलब होता है पूरी तरीके से। आश्रम इज डिस्क्राइब कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स, एक आश्रम में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो स्थान जहां पे पूजा पाठ होती है या प्रेयर या आराधना होती है उसको हम अग्रय स्थान बोलते हैं। ब्रह्म स्थान माने कि वेद के स्थान, वहां पे ब्रह्म मतलब वहां पे वेदास को रखा जा, वेदास तो नहीं होता है, मतलब वेद होता है, वेदों का संग्रहालय एक प्रकार से होता है। विष्णु स्थान वो स्थान होता है जहां पे शिक्षा प्रदान करी जाती है, फिर वो शिक्षा आपकी राजनीति से संबंधित हो, मतलब जो राजाओं लोग वहां पे अपनी नीतियां बनाते हैं उससे संबंधित हो, अर्थ नीति से संबंधित हो, या वहां पे कोई वार्ता ही क्यों ना चल रही हो, या आपके आश्रम में एक जैसे कि घर होता है आपका, तो घर में आपके कई सारे डायरेक्शंस होते हैं, वैसे ही आश्रम में कई सारे डायरेक्शंस होते हैं। तो जहां पे पूजा पाठ होता है वो स्थान अलग होता है, जहां पे वेदों को रखा जाता है वो स्थान अलग होता है, जहां पे शिक्षण चल रहा होता है वो बिल्कुल स्थान अलग होता है। तो कुछ स्थान के नाम आपको पता होना चाहिए। आप सभी को पता है कि एनटीए का जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है, आस्किंग क्वेश्चन, हैज बीन चेंज्ड नाउ। कंसेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर ही आप एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन कर पाओगे या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ पाओगे। इसलिए आप कंसेप्ट से भागिए मत, उसमें भाग लीजिए, ठीक। सो बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या था, हमने अभी तक ये समझा कि एंसेंट इंडिया में यानी कि हमारे प्राचीन भारत में किस प्रकार से वेद आए, वेद वेदांग क्या थे और उनका विस्तार किस प्रकार से हुआ। अब वेद से थोड़ा सा शिफ्ट होकर के आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या थी, यानी कि जब बुद्ध आए और गौतम बुद्ध आए उस प्रकार से शिक्षा का विस्तार किस प्रकार से हुआ। वेद जब था तब शिक्षा तो थी ही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं सीमित थी, वहां पे कास्टिज्म या ब्राह्मणवाद कुछ इस प्रकार से चीजें चल रही थी। लेकिन जब बुद्धिस्ट की शिक्षा आई वहां पे थोड़ा सा लिबरल अप्रोच किया गया लर्निंग के लिए, यानी कि शिक्षण और अध्ययन के लिए वहां पर लर्निंग को और भी आसान बनाया गया और सभी के लिए दरवाजे खोले गए शिक्षा के लिए। तो लॉर्ड बुद्धा ने, जिनका नाम पहले गौतम था और या कहें गौतम सिद्धार्थ था पूरा नाम, उनका नाम बाद में बुद्ध बना। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि, एक बोला जाता है ना बुद्धम शरणम गच्छामि, तो बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब ये नहीं है कि लॉर्ड बुद्ध के शरण में आप चले जाइए। इस श्लोक का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि बुद्धि के शरण में जाइए, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्धि के शरण में जाइए, यानी कि ज्ञान के शरण में जाइए, ज्ञान का अर्जन करिए, ज्ञान की प्राप्ति करिए, और शिक्षा बिल्कुल सबके लिए समान होनी चाहिए। और व्यापक तौर पे इसका विस्तार हुआ किसका, शिक्षा का, किनके समय में, बुद्धिस्ट के समय में। बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनी, मोनेस्ट्रीज का मतलब होता है मठ, है ना, और विहार बने। विहार में क्या होता है कि बाहर से भी लोग जो आते थे शिक्षा को ग्रहण करने के लिए वो विहार करते थे। विहार का मतलब होता है जहां पे विहार, मतलब कि जहां पे रह सकते हैं और रह करके शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं बाहरी लोग, जैसे कि हम लोग तो फॉरेन से लोग आते हैं हमारे कंट्री में अब्रॉड से, वैसे ही उस समय में जो लोग बाहर से आते थे, दूसरे राज्यों से आते थे या दूसरे देश से आते थे, जैसे कि वेन सैंग आए हमारे चाइना से, चीन से आए, ठीक, तो वो बाहर बाहर से जो लोग आ रहे थे हमारे देश में शिक्षा को समझने के लिए, या भारत में किस प्रकार से शिक्षा का विस्तार हो रहा है, क्योंकि यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली थी ना वो बड़ी ही जबरदस्त थी। भारत में जो शिक्षा प्रणाली का पूरा एक विस्तार या कहें स्ट्रेटेजाइज वे में सारी चीजों को स्ट्रक्चर किया गया था वो बहुत ही जबरदस्त था। और यहाँ से जो गुरुकुल पद्धति और जो बच्चे पढ़ पढ़ के आगे जा रहे थे, फिर वो विज्ञान के क्षेत्र में, वो शिल्प के क्षेत्र में, या वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे तर्क के क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र में जा रहे थे, रसायन के क्षेत्र में,
तो वहां पे पूरे दुनिया भर में वहां पे डंका बज रहा था। तो बाहर बाहर से लोग आ रहे थे जानने के इच्छुक थे कि भैया ऐसा कौन सा भारत में ऐसे कौन से प्रकार की शिक्षा चल रही है कि जिसकी वजह से वहां का विस्तार इतना ज्यादा इतना सुंदर इतना बढ़िया हो रहा है। तो जो लोग बाहर से आते थे शिक्षा को ग्रहण करने के लिए भारत में, वो उनको बोला जाता विहाराज। मतलब विहाराज तो अंग्रेजी में बोलेंगे लेकिन हिंदी में विहार बोलेंगे। मोनेस्ट्रीज का मतलब मैंने आपको बता दिया, मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ, ठीक। तो लेटर ऑन बहुत सारे मोनेस्ट्रीज बनी, यानी कि बहुत सारे मठ बने फुल फ्लेज, बिल्कुल, मतलब फुल फ्लेज का मतलब होता है कंप्लीट, मतलब कंप्लीट तरीके से, बिल्कुल पूरी तरीके से, है ना, पूरी तरह से यहां पर एजुकेशन का विस्तार हुआ। जहां पे भिक्षुक थे, है ना, जो कि शिक्षा को ग्रहण करते थे, जो पुरुष शिक्षा को ग्रहण करते थे उनको भिक्षुक बोला गया, और जो महिलाएं शिक्षा का ग्रहण करती थी बुद्धिस्ट शिक्षा के अंदर में उनको भिक्षुणी बोला गया। क्या? भिक्षुक और भिक्षुणी, है ना। क्यों भिक्षुक बोला गया? भिक्षा का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा भिक्षाम देही, है ना, मुझे भिक्षा दीजिए। तो भिक्षा का मतलब, भिक्षा में भी शिक्षा की बात है। क्या? भिक्षा में भी शिक्षा की बात है। तो शिक्षा का अर्जन जो पुरुष करते थे उनको भिक्षुक बोल दिया गया बुद्धिस्ट एजुकेशन के अंदर में, और जो महिलाएं शिक्षा का अर्जन करती थी उनको भिक्षुणी बोल दिया गया। और एंड कुछ कॉमन पीपल जो फॉरेन से आते थे एजुकेशन के लिए, उनको भी यहाँ पे पूरा उनका खुले हृदय से स्वागत किया जाता था कि आप आइए यहाँ पे रहिए और शिक्षा को लीजिए। इसी समय कॉन्सिक्वेंटली सेम टाइम में नालंदा और तक्षशिला नाम की यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्वविद्यालय डेवलप होना शुरू हो गए थे भारत में, जिनका राष्ट्रीय स्तर पे उपयोगिता या कहें इंपॉर्टेंस बन रही थी। पूरे विश्व की जो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी तक्षशिला, उसके बाद में नालंदा, उसके बाद में यहाँ पे क्या था, मतलब विश्व की पहली यूनिवर्सिटी यही बनी थी, क्योंकि जो भारत था वो शिक्षा का केंद्र था। ऑब्वियसली यहाँ पे वेद और उपनिषद और पुराण ही बिल्कुल शिक्षा का केंद्र था, और सबसे पहले दुनिया की जो यूनिवर्सिटी, आज तो हम लोग जाते हैं बाहर विदेशों में पढ़ने के लिए, कोई यूके जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया भर के फलाना ढमकाना जगह जा रहे हैं। एक वक्त था जब हम अपनी शिक्षा का सम्मान करते थे, वेदों का सम्मान करते थे, अध्ययन करते थे, और हमने पहला विश्वविद्यालय बना दिया, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला, उसके बाद में नालंदा। तो यहां पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत से है, और डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र सिद्धांत को पूरा यहां मैनेज किया जाता था। हजारों की संख्या में यहां पे टीचर्स यानी कि शिक्षक अपॉइंट किए जाते थे। यहां पे सांस्कृतिक रिलेशन यानी कि कल्चर रिलेशन को प्राथमिकता दी जाती थी। बहुत सारी एशियन कंट्रीज की बात करें अगर, तो जहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था वो कि 100 ईयर बैक, मतलब कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के तहत अगर देखा जाए, तुलना की जाए, तो वो हजारों साल हमसे पीछे चल रहे थे। तो वो आते थे हमारे यहां पढ़ने के लिए। A child would start education at the age of 8 after प्रब्राज्य। अब देखो ये क्या है, हमने कल पढ़ा था कि उपनयन संस्कार होता था, ठीक, उपनयन संस्कार होता था, यानी कि बच्चा जनेब को धारण करता था। जब बच्चे की जो उम्र रहती थी वो 8 से 12 साल का, एक हम मान के चलते थे औसतन कि बच्चे ने अब जनेब धारण कर लिया है, वो शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। वेद में हमने ये पढ़ा था। अब सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है लेकिन नाम बदल गया है। बच्चा 8 साल का है और वो शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अगर जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रब्राज्य बोलेंगे। क्या? प्रब्राज्य, या पबाज्य भी बोल सकते हैं, प्रब्राज्य आप समझ सकते हो। एक तरीके की सेरेमनी होती है, जैसे कि उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार का मतलब जनेऊ का संस्कार होता है, हमने पढ़ा था ना जनेऊ वाला संस्कार प्रीवियस वाले सेशन में, है ना, कि शिक्षा लेने। जनेव का मतलब क्या होता है? जनेव में 3 धागे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आ गई है तो मैं आपको बता देती हूँ 3 धागों का कंसेप्ट क्या है। 3 रीढ़ होते हैं हर एक व्यक्ति जो इस जीवन में जन्म लेता है। देखिए कुछ चीजें मैं आपको ऐसी सी भी बताऊंगी जो आपके व्यवहारिक जीवन में आपको काम देंगी, आपको पता होना चाहिए अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में। तो जनेव का अर्थ क्या था? जनेव का अर्थ ये था कि आपने जनेव को धारण कर लिया है, अब आप शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तैयार है, अब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपना गृह त्याग करके अब आप गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अपनाएंगे और जाएंगे अपने गुरु के यहाँ पर रहेंगे प्रॉपर तरीके से और गुरु की सेवा करेंगे। तो 3 धागा पहने जाते थे, मतलब जिन जो अविवाहित पुरुष होते हैं वो जनेब को 3 धागे क्यों पहनते हैं? क्योंकि 3 धागों में 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं मतलब 3 ऋण है। क्या? एक तो उनका ऋण अपने माता के लिए, उनका ऋण अपने पिता के लिए, और उनका ऋण अपने गुरु के लिए, ठीक। तो ये जनेव त्रिय जनेव धारण करने का क्या कंसेप्ट है, वो यही है कि आप देखते होंगे कि जो अविवाहित पुरुष होते हैं 3 धागे होते हैं। तो हर एक व्यक्ति जब जीवंत होता है, जब पैदा होता है, तो पैदा होते ही उसके ऊपर
ऋण हो जाता है। किसका ऋण होता है? अपनी माता का, क्योंकि माता ने उसको 9 वर्ष गर्भ में रखा है अपने। अपने पिता के लिए ऋण हो जाता है, क्योंकि पिता का कार्य क्या होता है? अपने पुत्र या अपने बच्चों के लिए भरण पोषण करने का। उसके बाद में उस बच्चे का एक ऋण अपने गुरु के लिए भी होता है, ठीक। विवाहों उपरांत वो 3 धागा 6 धागे में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी अर्धांगनी भी आ जाती है, अर्थात पत्नी भी आ जाती है। तो पत्नी के पिता, पत्नी की माता व पत्नी के गुरु का भी भार पति के ऊपर में, यानी कि अर्धांग के ऊपर में हो जाता है। ये बात आपके लिए मैंने जानकारी के लिए बता दिया, क्योंकि यहाँ पर प्रव्राज्य की बात हो रही है, यहाँ पे जनेव धारण की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे किस प्रकार से चीजें चल रही है? 3 ऋण होते हैं, सही कहा, बिल्कुल समझिए इस चीज को। कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी आपको होना चाहिए, अगर आप मेरी क्लास में है तो आपको एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट एजुकेशन की अगर बात करें हम, तो 8 वर्ष में प्रव्राज्य हो जाता था, या पबाज्य भी आप बोल सकते हैं। ये सभी कास्ट के लिए ओपन था, मतलब ऐसा नहीं था कि इसको सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं या क्षत्रिय ही कर सकते हैं। इसको शूद्र से लेकर के जितने भी वर्ण व्यवस्थाई सिस्टम है सभी इसमें कर सकते हैं, ठीक। हाँ, मिनिमम की मैं बात नहीं कर रही हूं यहाँ पर निधि जी, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ 8, मतलब कि यहाँ पे चाइल्ड वुड स्टार्ट हिज एजुकेशन एट द एज ऑफ 8 ईयर्स, ठीक है ना, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो प्रव्राज्य की बात हो रही है, प्रव्राज्य की बात हो रही है, बिल्कुल सभी कास्ट के लिए ओपन था। यहाँ पे एक सेरेमनी होती थी जो कि सभी कास्ट के लिए ओपन रहता था। जब ये सेरेमनी शुरुआत होती थी, इसका मतलब ये हम मान लेते थे कि हिज एजुकेशन वुड स्टार्ट एज अ प्रीसेप्टर। प्रीसेप्टर को बोलते हैं मॉन्क, ठीक है। बहन अभी क्लास कर लो, टेलीग्राम पे मैसेज, हाँ टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज करिएगा। अभी एकदम इत्मीनान से बेहतर ढंग से इसको समझिए, पढ़िए क्या कुछ है, ठीक। अब यहाँ पे क्या था, जो ये सेरेमनी की शुरुआत होती थी, यानी कि जो इस ये जो पूरा आपका व्यवस्था होती थी या पूरा संस्कार जो होता था, तो बुद्धिस्ट में जो बच्चा था जब 8 वर्ष का हो गया तो वो जाने लगा स्कूल। जो एक सेरेमनी थी उस सेरेमनी का नाम क्या था? प्रव्राज्य सेरेमनी का नाम था। और जो बच्चा था उसको मॉन्क बोल दिया गया, मॉन्क माने भिक्षुक बोल दिया गया या प्रिसेप्टर बोल दिया गया अंग्रेजी में। ही वॉज नाउ कॉल्ड एज श्रमण, उसको श्रमण भी बोलते हैं, जो कि येलो रोब को वियर करता है। रोब का मतलब क्या होता है? एक वस्त्र जिसको आप जामा भी बोलते हो, ऊपर से लेकर के नीचे तक जामा होता है और पीले रंग का वो वस्त्र होता है, और पीले रंग का वो वस्त्र होता है, उसको श्रमण बोलते हैं। श्रमण वॉज गिवन फुल स्टेटस ऑफ मॉन्कहुड और भिक्षुक, और उन श्रमण को पूरा एक फुल स्टेटस प्राप्त होता है भिक्षुक का या भिक्षु का, ठीक। अब यहां पे क्या था? पाली, पाली एक जैसे कि वेद में क्या था कि संस्कृत लैंग्वेज था बातों को पहुंचाने का, मंत्रों के उच्चारण का, संस्कृत का इस्तेमाल होता था, संस्कृत भाषा का। अब यहां पर बुद्धिस्ट सिस्टम के अंदर में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, इंस्ट्रक्शन का मतलब यहां पे है टीचिंग से, यानी कि शिक्षण से और अध्ययन से बात हो रही है। तो यहां पे जो टीचिंग होती थी वो पाली भाषा में होती थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर वोकेशनल एंड रिलीजियस एजुकेशन। वोकेशनल का मतलब होता है आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में ट्रेनिंग देना, यानी कि प्रशिक्षण देना, आपका कौशल का विकास विकास करना, ठीक है। हाँ, कल क्लास नहीं था, कल क्लास अनअकैडमी पे था। उपनयन ब्राह्मणों के लिए होता है, हाँ बिल्कुल, उपनयन आपका ब्राह्मणों के लिए होता है, क्षत्रिय भी करते हैं, ब्राह्मण भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस समय में तो ब्राह्मणों के लिए ही होता था, क्षत्रिय ब्राह्मण कोई भी कर सकता है उपनयन संस्कार, ठीक। तो वोकेशनल और रिलीजियस की बात हो रही है। वोकेशनल का मतलब होता है यहाँ पे ट्रेनिंग से, मतलब कि यहाँ पे प्रशिक्षण से, और रिलीजियस की बात हो रही है यानी कि धर्म से। चाहे आप धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं, चाहे आप ट्रेनिंग या प्रशिक्षण संबंधी आप शिक्षा ले रहे हैं, उसकी बात हो रही है निधि जी। उपनयन ब्राह्मणों के लिए भी होता था, बट आज की डेट में ब्राह्मणों के साथ में क्षत्रिय और बाकी सभी लोग उपनयन संस्कार कर रहे हैं। ये संस्कार होता था कि अब आप इस एज के हो गए हैं कि अब आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और आप जनेव का धारण करिए और जाइए शिक्षा को आप लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या था, द मेन सब्जेक्ट ऑफ टॉपिक ऑफ स्टडी बुद्धिस्ट सिस्टम एजुकेशन वर 3 पीठिका। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे कि सब्जेक्ट होते थे, हमने क्या पढ़ा, हमने वेदों में हमने क्या पढ़ा कि जो प्राचीन भारत था, है ना, और जो हमारी सनातन धर्म था उसमें हम वेदों को पढ़ते थे, उसमें हम शास्त्र को पढ़ते थे, भागवत गीता पुराण को पढ़ते थे और बहुत सारी चीजों को पढ़ते थे। लेकिन बुद्धिस्ट सिस्टम में 3 पीठिकाओं को पढ़ा जाता था, 3 पीठिका थी, 3 पीठिका मतलब सुत्त पीठिका, विनायक पीठक और अभिधम्म पीठक, जिसको आप अभिधम्म बोलते हो या धम्म पीठक बोलते हो, ये इनकी पुस्तक थी। जैसे कि ईसाइयों में क्या होता है, बाइबल होती है ना, सिखों में उनका अपना पुस्तक होता है, और
अगर हम बात करें उर्दू में या मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उनमें कुरान होती है, हम में जैसे वेद होता है, उसी प्रकार से जो बुद्धिस्ट सिस्टम था वहां पे पीटक होते हैं। तो पीटक का तीन कैटेगराइजेशन है, एक तो सुत्त पीटक है, ये पुस्तक है एक्चुअली, दूसरा है विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। वर्क्स ऑफ 18 स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, हेतु विद्या और शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, तमाम प्रकार की उसमें विद्याएं होती थी, हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या होती थी। वेद को भी पढ़ाया जाता था, वेद को भी पढ़ाया जाता था। और वेद को किस लिए पढ़ाया जाता था, यहाँ पे तो देखिए इनका सिस्टम क्या था, वेद तो था ही था और उसके बाद में इनका पीटक थे, ठीक, पीटक थे। तो ये क्या करते थे, इनका जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम था, ये क्या करते थे, ये पीटकों को तो पढ़ाते थे। पीटक आपके तीन थे, एक तो सुत्त पीटक था, दूसरा विनय पीटक था और दूसरा अभिधम्म पीटक था, अभिधम्म पीटक था। हाँ, अब यहां पे वेद का क्या था, अब हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं इस बात का सत्यापन करने के लिए हम वेद को भी पढ़ते थे। बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के अंदर में एक कंपैरेटिव स्टडी करते थे, क्या स्टडी करते थे कि ठीक है हम अपना धर्म तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे प्लस वेद को भी जानेंगे ताकि हम हमारे पास में कंपैरेटिव नॉलेज हो पाए, यानी कि तुलनात्मक ज्ञान हो पाए। वेद तो पहले से ही था ना, तो हम ज्ञान को एक्वायर करने के लिए हम वेदों को भी अध्ययन करते थे। जैन में क्या होता था, बुद्धिज्म के बाद में आपका जैनिज्म आया, आपका ये अलग एजुकेशन सिस्टम आया। जैनिज्म वर्क्स लाइक साम्यवाद सूत्र, ये साम्यवाद सूत्र पे इन्होंने अध्ययन किया, ये प्रज्ञ पारा सूत्र पे इन्होंने अध्ययन किया जिसमें कि 18 तरीके के अलग अलग स्क्रिप्ट थे। बुद्धिस्ट ने लिटरली काम किया किसके ऊपर में, लीता विस्तार पे या लीता विस्तार पे और महावत्सु ने मेंशन किया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट बुद्धिस्ट के अंदर में, जहां पे 64 टाइप की स्क्रिप्ट होती है। एग्जामिनेशन में आपको स्टेटमेंट दे सकता है कि बुद्धिज्म एजुकेशन के अंदर में स्क्रिप्ट कितनी होती है, ये वाली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली लाइन कि देयर आर 64 स्क्रिप्ट एंड लेटर ऑन अबाउट डोजन ऑफ स्क्रिप्ट, बहुत सारे प्रकार आए थे बट बेसिकली आपके 64 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट आपकी इनिशियली थी। इतनी बात समझ में आई रिगार्डिंग द करिकुला ऑफ स्कूल एजुकेशन, करिकुला का मतलब यहाँ पे पाठ्यक्रम से है। तो चाइनीज ट्रेवलर एक थे जिनके बारे में आपने सुना था, वो चाइना से हैं, इनका नाम हुएन सांग था। वो क्या कहते थे, सेज दैट चिल्ड्रन बिगिन बाय लर्निंग द अल्फाबेट, वो आए यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, ठीक, घूमने फिरने के लिए आए और उन्होंने देखा कि अरे भाई भारत का तो शिक्षा मतलब बड़ा ही बढ़िया है, अब यहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, पहले वो अल्फाबेट पढ़ते हैं, मतलब कि पहले वो क ख ग घ ङ च छ ज ञ पढ़ते हैं, उन्होंने उसको अल्फाबेट बोला, मतलब एबीसीडी का फॉर्म दे दिया, बट हम बता रहे हैं अपने तरीके से। हमारा अल्फाबेट का मतलब यहाँ व्याकरण से है, हमारा अल्फाबेट का मतलब यहाँ पे शिल्पकला से है, हमारा अल्फाबेट का मतलब यहाँ पे व्यंजनों से है, आर्ट्स की यहाँ बात हो रही है, लॉजिक यानी कि तर्क की बात हो रही है, फिलोसफी यानी कि यहाँ पे फिलोसफी की बात हो रही है, और उसके बाद मेडिसिन यानी कि यहाँ पे आपकी जितने भी आपके साइंस वाली बातें हैं उसकी बात यहाँ पे लिखी गई हुई है, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी माने दर्शन शास्त्र की बात हो रही है। देयर वाज अ जनरल स्कीम ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ लेमैन टू ऑल सेक्ट्स, ठीक, मतलब कि सभी संप्रदायों के लिए यहाँ पे लेमैन लैंग्वेज थी। लेमैन का मतलब होता है बिल्कुल आम आदमी, जिसको भाषा जो पढ़ सकता है उसके हिसाब से उन्होंने पूरी शिक्षा प्रणाली को या पद्धति को किया था, जहां पे अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट थे। क्या कुछ सब्जेक्ट थे, लॉ था, लॉ में हम क्या पढ़ते थे, वो नियम कानून, वो आपके आज के डेट में जैसे कि वो बना दिया ना ट्रिपल तलाक और ये वो फलाना ढमका तलाक, वो लॉ नहीं, यहाँ पे धर्म शास्त्र की बात होती थी। वहां पे लॉ का मतलब क्या होता है, नियम, नियम क्या कहता है, कौन से नियम को आप फॉलो करेंगे, वो नियम को जो हमारा धर्म कहता हो। धर्म क्या कहता है, धर्म बोलता है कि हमें मानवता का हनन नहीं करना है, हमें करुणा की बात करनी है, हमें प्रेम की बात करनी है, हमें सौहार्द की बात करनी है, हमें एकता की बात करनी है। तो धर्म के भी अपने अपने शास्त्र हैं, सम्मत है, ठीक। तो यहाँ पे इस धर्म का हम यहाँ पे अध्ययन करते थे, अरिथमेटिक का भी अध्ययन होता था, एथिक्स यानी कि नैतिकता के बारे में अध्ययन आपको कराया जाता था, आर्ट्स यानी कि कला के बारे में भी आप जानिए कि कला संस्कृति सभ्यता हमारी पहचान थी, जिसमें कि आप शिल्प शास्त्र के बारे में भी अध्ययन करते थे। आप देख आज की डेट में अगर आप देखें आर्टिजन्स यानी कि जो आपकी वुडन कार्विंग करते हैं या स्टोन कार्विंग करते हैं, वो अब धीरे धीरे ये जो कला है ये लुप्त होती जा रही है, और इसी वजह से इसको कहीं हम पाते हैं तो बोलते हैं ये एंटीक है, और उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा हो मतलब मिलता है। जैसे मिट्टी के ऊपर में जो कलाकारी करी जाती है या लकड़ियों के ऊपर में जो कलाकारी करी जाती है या स्टोन के ऊपर में जो कार्विंग करी जाती है वो शिल्प शास्त्र उसको बोलते हैं, शिल्प कला उसको बोलते हैं, वो सारी चीजें हमें सिखाई जाती थी। मिलिट्री साइंस मतलब धनुर्विद्या, अब पहले के टाइम में मिलिट्री साइंस क्या हुआ करती थी, पहले के टाइम में मिलिट्री साइंस का मतलब धनुर्विद्या से है कि आपको तीर चलाना कितना बेहतर आता है, आपको भाला फेंकना कितना बेहतर आता है, आप कितना बढ़िया तलवारबाजी कर सकते हैं, या विभिन्न प्रकार के जो शस्त्र हैं आप उसमें कितने परिपक्व हैं, वो आपके मिलिट्री
साइंस का हिस्सा हुआ करता था। आज तो हम लोग गोला बारूद तमाम चीजें चला रहे हैं, उस समय तो उस हिसाब का जो साइंस हुआ करता था वो चीजें हम पढ़ा करते थे। किस प्रकार से आपको आर्ट्स परफॉर्म करना है, तमाम सारी चीजें हम इसमें शिक्षण में अध्ययन करते थे। ये तो सारी चीजें हो गई आपकी, ये सारी आपकी वेद का पार्ट है जो कि बुद्धिस्ट लोग भी फॉलो करते थे। क्यों? क्योंकि उनको कंपैरेटिव नॉलेज चाहिए होता था, वो ये देखना चाहते थे कि भैया वेद तो है ही है, हम वेद को भी पढ़ेंगे। कंपैरेटिव नॉलेज करने के लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए तो आपको अध्ययन तो करना पड़ेगा ना। हम अपने पीठकों को पढ़ेंगे, सुत्त पीठक पढ़ेंगे, विनय पीठक पढ़ेंगे और धम्म के साथ साथ में हम वेद को भी अध्ययन करेंगे। फिर आपका इसमें नेक्स्ट पार्ट है वोकेशनल एजुकेशन का। वोकेशन का मतलब क्या होता है? जहां पे आप ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, पीटक मतलब हाँ ग्रंथ, उनके ग्रंथ थे, बुद्ध के अपने ग्रंथ थे। जैसे कि अलग अलग हमारे में वेद होते हैं, ठीक, सनातन धर्म में वेदों को ग्रंथ माना गया है, मुस्लिम समुदाय मानते हैं कुरान को, या सिख समुदाय अपना अलग जो है वो ग्रंथ मानते हैं। प्लस आपके जैसे कि कुरान हो गए, आपके बाइबल हो गए जो आपके ईसाइयों के ग्रंथ है, तो उसी प्रकार से इनके भी अपने ग्रंथ थे। ठीक, इतनी बात समझ में आई? हाँ, इनके पीटक माने इनके बिल्कुल पवित्र ग्रंथ थे। मैम थोड़ा आराम से करवाइए, थोड़ा आराम से, मतलब मैं बहुत ज़रा फास्ट बोल रही हूँ क्या? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अब देखिए यहाँ पर बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे प्रशिक्षण की बात हो रही है, यहाँ पे कौशलता की बात हो रही है। तो जो हमारा एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत था, वहां पे लिटरेचर यानी कि साहित्य के बाद, लिटरेचर माने साहित्य, यहां पर 64 लगभग प्रोफेशनल्स थे या प्रोफेशंस थे। मतलब कि 64 अलग अलग प्रकार के प्रोफेशन क्या होता है? व्हाट इज प्रोफेशन? व्हाट डू मीन बाय प्रोफेशन? गुरु ग्रंथ साहिब जी का सिख, बिल्कुल ठीक है गंधीर जी। अब देखिए प्रोफेशन का मतलब यू आर स्पेशलाइज्ड इन अ स्पेसिफिक फील्ड, यू हैव स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज इन द टर्म्स ऑफ स्किल, इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज और कैलिबर इन स्पेसिफिक फील्ड्स, राइट? दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। इट मींस कि आपको कुछ स्किल है, आपको कौशल है किसी स्पेसिफिक फील्ड का। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशन में क्या आ सकता है? टीचिंग इज अ प्रोफेशन, बिकॉज प्रोफेशनलिज्म में आपको किसी एक सेगमेंट में बहुत कुछ अच्छा पता है, एकदम डिटेल में आप पता है, यू आर प्रोफिशियंट पूरा अच्छे से आप, जैसे कि आपका लॉयर हो गया, लॉ आपका एक प्रोफेशन है, टीचिंग आपका एक प्रोफेशन है। तो यहाँ पर 64 प्रकार के प्रोफेशन होते थे, जिसमें आर्ट्स था, जिसमें आपकी वीविंग थी, वीविंग माने कढ़ाई बुनाई हो गया, डाइंग जैसे कि डाइंग होता है, स्पिनिंग होता है काटना, और वो पहले के टाइम में वो जो कपड़े बनाए जाते थे और वो जो कारपेट्स वगैरह बनाए जाते थे, कैसे लेदर को बनाना है, कैसे आपको नाव बनाना है, नाव बनाना भी एक कला की बात होती है, कौशल की बात होती है। सारथी लोग जो रथ चलाते थे, इनको चैरियट्स बोलते हैं, उसकी भी प्रशिक्षण ली जाती थी। तो लगभग 64 प्रकार के प्रोफेशन थे वहां पर, जिसमें कि आपको एलिफेंट्स को यानी कि हाथियों को किस प्रकार से आपको ट्रेनिंग देना, ये भी प्रोफेशन का कार्य हुआ करता था। घोड़ों को किस प्रकार से ट्रेनिंग देना, किस प्रकार से आपको आभूषण बनाने हैं, इन सबकी ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो जो यंग मैन होते थे यानी कि जो नौजवान लोग होते थे, उनको अप्रेंटाइज बोलते थे, यानी कि जो कि प्रशिक्षण प्रशिक्षक हैं, जो जाके सीखते हैं, अंडर ट्रेनर, जो कि ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षक, ऑब्वियसली प्रशिक्षण जो दे रहा है उसी के अंदर में जाकर के सीखेंगे। तो नंबर्स ऑफ इयर्स का ये काम चलता था, ऐसा नहीं था कि ट्रेनिंग नया कंसेप्ट, ट्रेनिंग पहले भी हुआ करती थी। अब जैसे खेत में किस प्रकार के खेती करनी है, इसकी भी प्रशिक्षण होती थी। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो आज की डेट में आप पढ़ रहे हो, वो आज से 4000 साल पहले ना पढ़ाया जाता हो, ये बात बिल्कुल भी गलत है। मतलब कि कोई भी चीज आप नई नहीं पढ़ रहे हो, फिर चाहे वो विज्ञान के बारे में, खेती कैसे करनी है, फिर आप चाहे आप किसी बड़े एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाकर के खेती के बारे में समझिए, रबी खरीफ क्रॉप क्या होता है इसको समझिए, ये पहले आज से 4000 साल पहले भी समझाया जाता था। जो आप पढ़ रहे हो प्लेनेटरी पोजिशन के बारे में, साइंस जो आज मून पे जा रहा है या मार्स पे जा रहा है, जुपिटर पे जा रहा है, ये हमारे ऋषियों ने मुनियों ने सनातन धर्म के समय वेदों में ही लिख दिया था कि 9 प्रकार के आपके प्लैनेट्स होते हैं, मतलब कि 9 प्रकार के ग्रह होते हैं। बस ये है कि उसको ग्रह बोला था, आज आप प्लैनेट के फॉर्म में पढ़ रहे हो, नाम का मतलब चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पढ़ा वही रहे हो, है ना। आज एस्ट्रोलॉजी क्या बातें करते हो, जो कि ज्योतिष की बातें पहले बोली जाती थी। तो नाम का बस रूपांतरण है और कुछ नहीं। तो एजुकेशन बिल्कुल फ्री था, ज्यादातर उस समय में जो शिक्षा होती थी उसका समान अधिकार होता था। अब तो शिक्षा के ऊपर में कर लगा दिया गया, मतलब टैक्स लगा दिया गया, या कहें उसके बाद में वसूली करने लगे, या पढ़ के पैसा दे करके आप शिक्षा ले रहे हो। अब जब पैसा दे करके शिक्षा लेनी है, तो उसका मतलब कि शिक्षा को आपने क्या कर दिया, शिक्षा को आपने एक लिमिट कर दिया कि वही पढ़ सकता है जो आर्थिक रूप से सशक्त हो। तो आप पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, पहले के टाइम में शिक्षा सभी के लिए कंपलसरी थी, और
फ्री ऑफ कॉस्ट था, जिसमें आपको बोर्डिंग और लॉजिंग की भी चिंता नहीं थी, मतलब खाने पीने की भी कोई चिंता नहीं, बस आप शिक्षण करना चाहते हो, प्रशिक्षण लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। बस आपका क्या बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप डिसिप्लिन में रहोगे। कल मैंने बताया था कि दो आपकी क्वालिफिकेशन बेसिक होनी चाहिए थी एजुकेशन लेने के लिए, क्या पढ़ने के लिए तो इच्छुक हो, दूसरी बात आपके आपका जो डिसिप्लिन आप कोड ऑफ कंडक्ट आप बनाए रखें, कि मतलब ऐसा नहीं कि गुरु से पढ़ने जा रहे तो टमाटर आलू से उसका स्वागत करो, ऐसा नहीं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हाँ कढ़ाई बुनाई, बिल्कुल ठीक, मास्टर ऑफ एनी फील्ड। हाँ अब यहाँ नॉलेज की बात हो रही है। अब जो ज्ञान जो इम्पार्ट किया जाता था, यानी ज्ञान का जो प्रदान होता था वो ओरली होता था, यानी मौखिक रूप से होता था। अब इसमें कुछ पांच प्रकार से ज्ञान का आदान प्रदान होता था पहले के समय में। यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। पहला था मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन का मतलब होता है रटन करना, रटना किसी चीज को याद करना, मेमोरी लेवल पे डालना, मतलब कि माइंड का जो इनिशियल लेवल होता है मेमोरी लेवल पे उसको लेकर के आना। ये क्या डील करता है, रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स, आपने फैक्ट को बस रिटेन कर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा था, समझा किसने था, किसने भी नहीं समझा था कि ट्विंकल ट्विंकल क्यों करता है स्टार, मतलब स्टार चमचमाता क्यों है, किसने जानने की कोशिश की थी जब आप क्लास 1 में रहे होंगे, कोई नहीं जाना होगा, सबने रट लिया होगा मेमोरी के लेवल पे। किसने पढ़ा था कि 2 * 2 4 होता है तो क्यों होता है, किसने नहीं पढ़ा था 4 में से आप 1 माइनस करोगे तो 3 आएगा, ये कांसेप्ट किसने समझने की कोशिश करी थी, मतलब आपने मेमोरी के लेवल में सारी चीजें पढ़ रही थी। यही था ना भाई, क्लास 2 में थे तो थोड़ी आपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को एक्सप्लेन किया होगा कि क्यों ट्विंकल करता है, मतलब क्यों चिपचिप करता है। तो मेमोरी के लेवल में पहली चीज होती थी ज्ञान का जो अर्जन होता था, पहला जो स्टेप होता था मेमोरी के लेवल, यानी रिटेंशन ऑफ फैक्ट, फैक्ट्स को आपने रिटेन कर लिया, पुनर्प्राप्त कर लिया, या लंबे समय तक आपने इतना रटा कि वो आपको याद हो गया, रटंत विद्या, रोट लर्निंग समझ सकते हो। क्या रोट लर्निंग का मतलब होता है, रटंत विद्या। दूसरा क्रिटिकल एनालिसिस करना, यानी क्रिटिकल रूप से, कृत्रिम रूप से इसमें आप विश्लेषण कर रहे हो, मतलब कि अब आप एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ रहे हो। हियर वी साइट एग्जाम्पल, साइट का मतलब होता है रेफरेंस देना, संदर्भित करना किसी चीज को, एग्जाम्पल से संदर्भित करना। श्री रामानुज और श्री महादेवाचार्य जी का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, स्वयं के बारे में आंकलन करना और इंट्रोस्पेक्ट करना, जांच करना, पड़ताल करना। ये कैसे करते थे, श्रवण के माध्यम से। पहले इसमें क्या था, श्रवण, श्रवण का मतलब क्या होता है, सुनना। श्रवण का मतलब यहाँ पे किसी की ध्वनि, किसी की बात, किसी की कुछ चीजें, जैसे यहाँ पे श्रवण कर रहे हो। क्रिटिकल इंस्पेक्शन, इसमें तीन पार्ट थे, क्या श्रवण जो हमने कल की डेट में पढ़ा था, पहला श्रवण, दूसरा मनन। मनन में क्या पूछना, मन में चिंतन कर रहे हो, कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हो। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब क्या होता है, चिंतन करना, क्या चिंतन करना। निध्यासन, निध्यासन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्टेम्पलेशन, मतलब कि अब आप उसको अपने व्यवहारिक जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आप सत्य को या सच्चाई को रियलाइज करना जानते हो, है ना। ये आपका एक तरीके का मेथड होता था ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का, यानी वेदांत को प्राप्त करने का। स्टोरी टेलिंग भी होता था, मतलब आप कहानी के माध्यम से भी, जो कि बुद्ध क्या करते थे, बुद्ध आपको कहानी के माध्यम से सारी ज्ञान दे देते थे। बुद्ध ही होता ना कि पेड़ के नीचे वो बैठे, उन्होंने खुद ज्ञान का अर्जन किया और फिर उसके बाद में वो जगह जगह लोगों को इसी प्रकार से स्टोरी के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से ज्ञान का अर्जन करते थे। तो यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि पांच तरीके से ज्ञान का अर्जन हो सकता था। एक तो मेमोराइजेशन, यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे रिटेंशन ऑफ थॉट, रोट लर्निंग करके। दूसरा क्रिटिकल एनालिसिस करके, यानी कि विश्लेषण करके, आप एग्जाम्पल्स को साइट करके कर सकते हो, एग्जाम्पल को रेफरेंस दे करके। फिर इंट्रोस्पेक्शन करके, यानी कि स्वयं का विश्लेषण करके, जिसमें कि आपके श्रवण मनन और उसके बाद में निध्यासन था। फिर स्टोरी टेलिंग, यानी कि स्टोरी बता बता करके। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर मेथड था कि प्रश्न उत्तरी करके, जैसे कि अगर आप पहले के समय के, आप रामायण पढ़िए या अगर आप महाभारत पढ़िए, कोई ग्रंथ आप पढ़िए, तो आप देखेंगे ना उसमें कि कोई एक ऋषि है, ऋषि से उनके जो डिसिपल्स हैं, यानी कि जो उनके शिष्य हैं, वो पूछते हैं कि बताइए गुरुजी मुक्ति का क्या मार्ग है, गुरुजी ये जीवन क्या है। तो एक प्रश्न पूछा, अब गुरु जी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो प्रश्न और उत्तरी करके ज्ञान का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इम्पार्ट कर रहे हैं, ज्ञान को हम प्रदान कर रहे हैं। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोब इन टू द डिस्कशन, डिस्कशन के माध्यम से ज्ञान देना। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषा में नोट्स मिलेगी आपको, चिंता मत करिए, कंठस्थ करना। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे। हैंड ड्रॉन मेथड क्या होता है, हैंड ड्रॉन मेथड का यहाँ पे, ये तो पांच चीजें हमने पढ़ी, नॉलेज की, ज्ञान हम कहां से प्राप्त करेंगे। हैंड ड्रॉन मेथड में क्या होता था, हैंड का मतलब हाथ से, मतलब आपका हाथ फंक्शनिंग करे। अब हाथ कहाँ फंक्शन करेगा, हवा में तो हाथ फंक्शनिंग करेगा नहीं,
तो हाथ वहीं फंक्शनिंग करेगा जहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होएगा, यानी कि जब आप साइंस की बात करेंगे या मेडिकल साइंस की बात करेंगे, जहां पे आप अनुप्रयोग करेंगे या जहां पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे, वहां पे हैंड्स ऑन मेथड हो जाएगा, जहां पे प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज की बात होगी। सेमिनार भी हुआ करता था पहले के समय में, ऐसा कुछ भी आप जो आज हो रहा है ऐसा नहीं था कि 4000 पहले साल पहले नहीं होता था, वो सारी चीजें पहले होती थी, बस नाम का रूपांतरण कर दिया गया है। सेमिनार होता था, सेमिनार में क्या होता था कि स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठा करे जाते जाते थे, उनका डिबेट होता था, डिस्कशन होता था, उनसे फ्रीक्वेंट इंटरवल पे चीजें पूछी जाती थी और बीच बीच में ब्रेक भी दिया जाता था। तो इस प्रकार की कुछ चीजें होती थी जिनसे हम ज्ञान का अर्जन करते थे। इट माइट टेक 12 ईयर्स फॉर अ स्टूडेंट टू डेवलप एक्सपर्टाइज इन वन वेद, एक वेद का अध्ययन करने में और उसमें पूरा एक्सपर्ट होने में लगभग एक बच्चे को 12 साल का वक्त जाता था। सो इट वुड बी 12 ईयर्स, 20 ईयर्स एंड 30 ईयर्स एंड सो ऑन। अब चार प्रकार के वेद हैं तो 12 12 उसमें आप लगा दीजिए कि अगर आपको एक्सपर्ट होना है तो ये इतना वक्त आपको लगेगा पूरा पढ़ने में। ठीक, अ ग्रेजुएट वॉज कॉल्ड स्नातक, स्नातक जिसको आप बोलते हो ना, अगर आप इसको अब हिंदी में पढ़ोगे तो स्नातका पढ़ोगे, यही तो पढ़ोगे ना, क्या पढ़ोगे, स्नातका। स्नातका तो कुछ नहीं होता है, ये वर्ड ही अपने में गलत है अगर इसको अंग्रेजी भाषा में समझोगे तो, बट हिंदी में इसको स्नातक बोलेंगे, क्या स्नातक, आपने पुनः ना स्नातक और स्नातकोत्तर। स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक, तो जो लोग ग्रेजुएशन करते थे उनकी भी प्रॉपर सेरेमनी होती थी। ठीक, वॉज कॉल्ड समवर्तन, उनको समवर्तन भी बोला जाता था। स्नातक को क्या बोला जाता था, या जो ग्रेजुएशन की सेरेमनी, आप आज की डेट में ग्रेजुएशन की सेरेमनी होती है तो उसको क्या बोलते हो, कुछ एक वर्ड बोलते हैं ना कि जो वो पूरा काला कलर का कपड़ा वड़ा पहना करके और वो पूरी सेरेमनी कराते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड बोलते हैं, ए से कुछ बोलते हैं, मेरे माइंड में है नाम आ नहीं रहा है, कि वो सेरेमनी है, डिग्री को डिस्ट्रीब्यूट करने का सेरेमनी होता है, कि डिग्री आपको डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, क्या कहते हैं उसको, आप बताइए उसको, श्रुति मनन निधि है ना, उस सेरेमनी का क्या नाम है, वो आपकी डिग्री को बांटने की सेरेमनी होती है जिसमें काला रंग का वो हैट वेट, हाँ कॉन्वोकेशन, कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है, उस टाइम भी कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती थी, बिल्कुल ठीक आरती उपाध्याय पायल जनगीर, बिल्कुल सही बोला, कॉन्वोकेशन मेथड, बिल्कुल एलिमनाई होता है या कॉन्वोकेशन मेथड होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बेहतरीन। तो वो जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होती थी उस वक्त भी होती थी स्नातक सेरेमनी, तो उस सेरेमनी को क्या बोलते थे, समवर्तन, क्या समवर्तन। ये सारे शब्द प्रेम मित्रों आपको पता होना चाहिए, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो नया हो रहा है, पहले नाम बस अलग थे, इतिहास हिस्ट्री बोल दिया गया, अनविकसित को लॉजिक बोल दिया गया, मीमांसा को इंटरप्रिटेशन बोल दिया गया, शिल्प शास्त्र को आर्किटेक्चर बोल दिया गया, अर्थशास्त्र को पॉलिटी बोल दिया गया, वार्ता को आपने क्या बोल दिया, एग्रीकल्चर वार्ता या ट्रेड व्यापार की वार्ता बोल दिया, कॉमर्स यानी कि वाणिज्य की वार्ता बोल दिया, एनिमल हस्बेंडरी यानी कि पशु चिकित्सालय की बात हो रही है, और आर्चरी यानी कि जो धनुष बाण चलाया जाता था वो धनुर्विद्या के नाम से थी। सारे कुछ नाम्स आपको पता होने चाहिए, नाम्स नहीं एक्चुअली नाम पता होने चाहिए। फिजिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम में, फिजिकल एजुकेशन होता था, गेम्स होते थे, काफी सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती थी जिनको हम क्रीड़ा बोलते थे, क्रीड़ा माने क्या, खेल से है, खेल माने क्रीड़ा, तो क्रीड़ा में गेम्स होते थे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती थी, एंड आपके व्यायाम प्रकार होते थे, व्यायाम का मतलब एक्सरसाइज है, तो ये पहले भी हुआ करता था, धनुर्विद्या माने आर्चरी होती थी, एंड देन एक्वायरिंग मार्शल आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स मतलब कि जो आपकी पूरा योग साधना, ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी, व्हाट इज मार्शल आर्ट, ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी इज नोन एज मार्शल आर्ट, जिसमें आप योग साधना भी करते थे। योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़, क्या, योग का मतलब होता है किसी चीज का जोड़, जोड़ने में क्या करते हो, एडिशन करते हो ना भाई, जोड़ने में आप ऐड करते हो ना, कोई चीज ऐड करते हो, जोड़ते हो, दो चीज को जोड़ दिया, उसी को बोलते हैं क्या, योग। तो शरीर में क्या आप जोड़ सकते हो, शरीर में मतलब ये जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर है इसमें आप क्या जोड़ते हो, उसमें आप अपने शरीर को मन को जोड़ते हो, यानी कि ये वाला जो आपका पोर्शन है, आपकी भ्रिकुटियों के बीच वाला जो पोर्शन है, यहां पे बोला जाता है कि तीन चीजों का जुड़ाव होता है, एक तो आत्मा का, शरीर का और मन को, जिस स्थान पे ये तीनों चीज आकर के जुड़ जाएं उसी को बोलते हैं योग, योग बोलते हैं। और ये तीन स्थान मतलब ये तीनों चीज का जो पॉइंट है, जुड़ाव है, वो व्यक्ति के शरीर के किस भाग में होता है, दोनों भ्रिकुटियों के इस भाग में होता है, एकदम मध्य भाग में होता है। इस भाग में मेडिटेशन जब हम करते हैं तो आंख बंद करके क्यों करते हैं, यहां पे क्यों ध्यान लगाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि अपने शरीर को और अपनी आत्मा को और अपने जो है शरीर आत्मा और अपने मन को योग बना करके कॉन्सेंट्रेट करते हैं।
तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपने मन को और अपने शरीर को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके बाद में शास्त्रार्थ भी होता था। आज की डेट में आप देखते होगे ना, न्यूज चैनल में, टीवी चैनल में क्या करते हैं, दो चार लोगों को बिठा करके पैनल डिस्कशन कर दिया, शास्त्रार्थ कर दिया, डिबेट कर दिया, हम आज डिबेट बोल देते हैं, लेकिन पहले के टाइम में शास्त्रार्थ बोलते थे उसको। ये कुछ आपके मेन सब्जेक्ट हुआ करते थे उस टाइम के। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और टीचरों के प्रकार को समझेंगे, यानी कि जो शिक्षक होते हैं उनके प्रकार होते हैं। अब जो शिक्षक के प्रकार है, कुछ 6 प्रकार के शिक्षक हुआ करते थे। पहले होते थे आचार्य। आचार्य का कार्य यह होता था कि वो वेद को आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे बिना आपसे शुल्क लिए, बिना आपसे 1 रुपए लिए। मतलब कि स्टूडेंट को वो पढ़ाएंगे बिना चार्जिंग फीस, दे डोंट चार्ज फीस एंड दे वर सपोज टू टीच वेद या वेदास, वेदास तो बोलना गलत है अपने में। फिर उपाध्याय होते थे। उपाध्याय क्या होते थे कि उपाध्याय वो लोग होते थे कि जो कि अपने जीवों को पार्जन करने के लिए, जीवों को पार्जन करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता उनकी होती थी, इसलिए वो वेद के या वेदांग के कुछ पोर्शन को पढ़ाते थे। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि उनको धन का अर्जन करना है, उनको उपाध्याय बोल दिया गया, उनको धन का अर्जन करना है। देखो आप समझिएगा इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस समझिएगा, क्योंकि उनको अपनी लाइवलीहुड का अर्जन करना है, इस वजह से वो किसी को भी पढ़ा सकते हैं, यानी कि वो ब्राह्मण को भी पढ़ा सकते हैं, शूद्र को भी पढ़ा सकते हैं, क्षत्रिय को भी पढ़ा सकते हैं, वो किसी को भी पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या है कि उनको अपनी जीवों को उपार्जन के लिए, यानी कि लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए उनको पढ़ाना पड़ता था। तो वो क्या करते थे, वेद के कुछ पोर्शन और वेदांग के कुछ पोर्शन वो क्षत्रिय को या शूद्र को भी पढ़ा दिया करते थे। ठीक, फिर उसके बाद में चरक होते थे। ठीक, चरक होते थे, वॉन्डरिंग स्कॉलर्स टू विजिट नेशन फॉर हायर नॉलेज। मतलब कि ये क्या करते थे, ऐसे विद्वान जो कि वॉन्डरिंग करते थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में या एक राज्य से दूसरे राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और जो है सतपाठ ब्राह्मण, ठीक है, जो भी ब्राह्मणों के पाठ होते हैं या ब्राह्मणों के जो भी ज्ञान होते हैं उस सीखने के लिए वो जाया करते थे, जिसमें कि वेन सांग भी आए थे चाइना से भारत में नॉलेज को ही ज्ञान प्राप्त, मतलब ज्ञान का अर्जन करने के लिए। गुरु, एक थे गुरु, मतलब गुरु भी शिक्षक का ही फॉर्म है। ये क्या करते थे, यूज टू लीड अ गृहस्थ लाइफ। वो बताते थे कि आपको गृहस्थ लाइफ किस प्रकार से काम, मतलब गृहस्थ लाइफ में किस प्रकार से जाना है, उसको सुचारू रूप से कैसे आपको चलाना है, और वहां पे वो एजुकेशन को इंपार्ट करते। इंपार्ट का मतलब होता है प्रदान करना। क्या इंपार्ट का मतलब क्या होता है, प्रदान करना। ठीक, देखो यहाँ पे मैं मिटा दूँ, इम्पार्ट का मतलब क्या होता है, प्रदान करना। क्या प्रदान कर रहे हो आप, शिक्षा का प्रदान कर रहे हो। तो गुरु का कार्य क्या होता था, गृहस्थ लाइफ के बारे में आपको शिक्षा प्रदान करना, ताकि आप अपनी लाइफ को, अपनी परिवार को सुचारू रूप से चला सको, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की और जीवों का उपार्जन वाली जिंदगी आप जी सको। फिर उसके बाद था योजन्य सात्विका। योजन्य सात्विका क्या होते थे, दे वर फेमस फॉर देअर प्रोफाउंड स्कॉलरशिप। मतलब कि वो अपनी विद्वत्ता के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस वुड विजिट टू सीक एजुकेशन। तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स, काफी सारे ऐसे विद्यार्थी या शिक्षार्थी जो कि दूर दूर से आते थे यजुन सतिका से पढ़ने के लिए। फिर शिक्षक थे। शिक्षक का काम क्या होता था कि वो आर्ट्स या कहें नृत्य संबंधित नॉलेज वो ट्रांसफर किया करते थे। तो ये कुछ प्रकार के आपके 6 प्रकार के टीचर्स हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा। आचार्य का कार्य अलग होता था, वो वेद को, प्रॉपर वेद को आपको पढ़ाते थे बिना आपसे 1 शुल्क लिए। उपाध्याय वो होते थे जो कि अपने जीवों को उपार्जन करने के लिए वेद का या वेदांग का कुछ भाग आपको पढ़ा देते थे, क्योंकि उनको अपना जीवों को उपार्जन करना था। चरक वो थे जो कि उन स्कॉलर्स को पढ़ाते थे, मतलब स्कॉलर्स वो जाते थे बाहर पढ़ने के लिए, विजिट करते थे हायर नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, जो भी पॉसिबल नॉलेज उनको मिल सकता है सद पाठ ब्राह्मण से, और वेन सांग इसके एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। गुरु वो थे जो कि आपकी गृहस्थ लाइफ के बारे में आपको इम्पार्ट करते थे एजुकेशन। यजुन सतिका वो होते थे जो कि प्रोफाउंड स्कॉलरशिप होते थे, ना कि प्रखर विद्वान। प्रोफाउंड का मतलब प्रखर विद्वान, स्कॉलरशिप स्कॉलर का मतलब विद्वान। स्टूडेंट जो कि आपके दूरगामी क्षेत्रों से आते थे उनको एजुकेशन देने का काम करते थे। शिक्षक वो होते थे जो कि आपको आर्ट्स या डांसिंग पढ़ाते थे। निधि कह रही है मैं महापाचार्य हैं। निशिकादनी कर्मणि यह करोति यथा विधिः संभवायते चेन्नई स विप्रो गुरु गुरुच्यते। संस्कृत विषय अध्ययन बहुत बेहतरीन। मैम मुझे लिंक ओपन करना नहीं आता, प्लीज हेल्प मी। कौन सा लिंक की बात कर रहे हो। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब देखेंगे क्या आपके सिलेबस में क्या दिया है कि एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होते थे, यानी कि प्राचीन भारत में आपके जो शिक्षण के इंस्टीट्यूशन थे वो कैसे होते थे। तो प्राचीन भारत में गुरुकुल होती थी। गुरुकुल सबसे बेस्ट पद्धति है,
गुरुकुल सबसे बेस्ट पद्धति होती है बच्चों को सही शिक्षा देने की। आज भी गुरुकुल है, जैसे कि पतंजलि का गुरुकुल सिस्टम चलता है, अगर आप हरिद्वार में जाएंगे तो आप भी अपने बच्चों को गुरुकुल शिक्षा पद्धति में अगर पढ़ाना चाहें, वैसे इस शिक्षा पद्धति का बहुत हनन हुआ है। सोचिए अगर आपका बच्चा गुरुकुल शिक्षा पद्धति में पढ़ता है, वेद वेदांग को पढ़ता है, क्योंकि वेद वेदांग में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पूजा पाठ के बारे में सिखाया जाता है, वहां पे आपको साइंस, इंजीनियरिंग, मतलब विज्ञान, आर्किटेक्चर, रसायन, हर प्रकार की भौतिकी, मतलब भौतिकी यानी कि फिजिक्स की बात हो रही है, रसायन माने कि केमिस्ट्री की बात, विज्ञान एग्रीकल्चर यानी कृषि की बात, सब जानकारी दी जाती थी, सारी चीजें। हमने ये मिथ बना लिया है कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति का मतलब सिर्फ भगवान की पूजा पाठ करना होता है। नहीं, आप नैतिकता सीखते हो, आप सीखते हो अपने कल्चर को जानते हो और सही दिशा में आगे बढ़ते हो। तो और इस गुरुकुल शिक्षा पद्धति को कि उच्च शिक्षा पढ़ रहे हैं ना हम लोग, उच्च शिक्षा में हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से हमारी शिक्षा पद्धति को भ्रष्ट किया गया और तोड़ा गया। बाहर से लोग आते थे, अभी सारी चीजें हैं आपके सिलेबस में, अभी आप आगे पढ़ोगे कैसे मुस्लिम्स आए, कैसे उन्होंने अटैक किया, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उच्च शिक्षा, नहीं कि हायर एजुकेशन बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपका नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। मुझे नहीं पता कि आप उसको पढ़ने के बाद आप 5 में से 5 नंबर कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाओगे कि नहीं, लेकिन जो बातें आप यहां से सुन के जा रहे हो ना, उसको सुनने के बाद में आपको ज्ञान बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हो, आपकी डिबेटिंग पावर बढ़ जाएगी। कोई आपसे अगर बोलेगा ना 4 बातें, तो आप उसको जवाब दे पाओगे कि अच्छा हमारा एजुकेशन ऐसा भी हुआ करता था। कोई आपके सामने बहुत लपड़ लपड़ करेगा ना, वेस्टर्नाइजेशन की बात करेगा, पश्चिमी सभ्यता की बात करेगा, तो आप उसको उत्तर दे पाओगे कि पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं उन्होंने हमसे ही हमारा चीज लिया हुआ है और आज उसका वैश्वीकरण कर रहे हैं या आज उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, विपणन कर रहे हैं, बाजार कर रहे हैं, और हम क्योंकि अपनी संस्कृति और सभ्यता को हमने छोड़ दिया है तो अब हमें हमारी ही चीज हमें पैसे देकर के लेने पड़ रही है क्योंकि हमें इसका वर्थ ही नहीं पता है। तो गुरुकुल को समझते हैं क्या है। गुरुकुल का मतलब होता था एक एक शिक्षक का घर, वहां पर बिल्कुल वेल सेटल्ड हाउस होता था, वहां पे आते थे बच्चे, रहते थे, खाते थे, पीते थे, वहीं पे अध्ययन करते थे, वहीं पे सोते थे, वहीं पे रहते थे। जैसे कि 5 पांडव लोग आपने मूवी मूवीज में देखा होगा या आपने सीरियल्स में देखा होगा कि 5 पांडव लोग गए थे अपने गुरु से शिक्षा को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए, ठीक। तो वो होता है गुरुकुल शिक्षा पद्धति। जो प्रथम गुरुकुल आश्रम था वो सांदीपनि आश्रम में था, जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने ऋषि सांदीपनि से जो है शिक्षा को ग्रहण किया था, जो कि आपके जब आप एमपी से सॉरी जब आप हाँ इंदौर से जब आप उज्जैन की तरफ आएंगे तो आपको रास्ते में वो सांदीपनि आश्रम मिल जाता है। परिषद हुआ करते थे। परिषद क्या होता है, आज काउंसिल बोलते हो, परिषद को आज काउंसिल ही तो बोलते हो, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस समय परिषद हुआ करते थे। यहाँ पे क्या होता था, स्टूडेंट्स यूजली सेटल फॉर हायर एजुकेशन, वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए वहां पे सेटल होते थे, जो कि ओरिजिनली कंडक्ट किया जाता था ब्राह्मणों द्वारा, 3 ब्राह्मणों के द्वारा परिषद का निर्माण होता था। यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाते थे, द नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज इवन द परिषद कंसिस्ट ऑफ 20 ब्राह्मण, मतलब 3 ब्राह्मण से लेकर के 20 ब्राह्मण के आसपास होते थे, जहां पे वेल वर्ड्स फिलोसफी पढ़ाई जाती थी, यानी दर्शन शास्त्र का अध्ययन यहाँ पे कराया जाता था, थियोलॉजी पढ़ाई जाती थी और लॉ पढ़ाया जाता था, यानी कि धर्म शास्त्र के बारे में पढ़ाया जाता था, ठीक। हाँ, राम जी ने भी किया था। अब उसके बाद में संगम, एक शब्द आता है संगम। संगम क्या है, संगम वॉज ऑल्सो सच अ परिषद। संगम ये तीसरे प्रकार का है आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये चार है। संगम क्या था, संगम एक प्रकार का परिषद होता था जो कि आपकी पहली शताब्दी में आया था और तमिलनाडु में पहली बार देखने को मिला था, जहां पर हियर सम वर्क्स वर सबमिटेड फॉर क्रिटिसिज्म ऑल्सो, जहां पे आलोचनात्मक रूप से भी शिक्षा को देखा गया और कुछ राजाओं का तब वहां पे प्रचलन शुरू हो गया था, गैदरिंग्स वगैरह होना शुरू हो गई थी, गोष्ठी, आप आज कॉन्फ्रेंस बोलते हो ना कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, उस समय गोष्ठी हुआ करती थी, ऐसा नहीं है कि उस समय कॉन्फ्रेंस नहीं होता था, बस नाम गोष्ठी था उस वक्त, आज कॉन्फ्रेंस कर दिया। तो नेशनल लेवल पे क्या होता था, उस समय के राजा लोग आते थे, कोई आपके पणजी का आ गया, कोई आपके उज्जैन का आ गया, कोई तक्षशिला का आ गया, कोई कहीं का आ गया, कोई मैथिली से आ गया, है ना, कोई अयोध्या से आ गया। उस समय तो ये आपके इंडिया और अमेरिका, यूएसए और फिर आपका जर्मनी, फ्रांस तो होता नहीं था उस समय। अगर आप पहले का प्राचीन, आप लोग जाइएगा आज देखिएगा, आपको मजा बहुत आएगा, आप लोग पहले का प्राचीन मैप देखिएगा भारत का, बहुत ही अलग तरीके से, मतलब आज तो भारत बन गया है, आज तो पाकिस्तान बन गया, आज बांग्लादेश बन गया है, उस समय तो एक मतलब अखंड भारत था जिसको बोलते थे, अखंड आपका ये पूरा, बहुत ही मतलब देखिएगा उसको आप लोग तो आपको समझ में आएगा। तो उसमें क्या होता था कि अलग अलग जो हमारे
नेबरहुड जो राज्य है वहां से लोग आते थे और नेशनल गैदरिंग होती थी, राजा लोग आते थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव आते थे, अगर राजा ना आ सके तो गोष्ठी प्रॉपर ऑर्गेनाइज कराई जाती थी बहुत सारे, तभी तो पता चलता था। हमें कैसे पता चलता था कि अयोध्या में कोई है जो बहुत विद्वान है, या मिथिला में जो है, मिथिला ज्ञान की नगरी बोली जाती थी, क्यों? क्योंकि मिथिला में ज्ञान का प्रवाह इतना जबरदस्त था, वहां पे माता मतलब जनक जो ऋषि थे मिथिला के, जो राजा थे वो राजा जनक थे, और उन्हीं की पुत्री कौन थी? माता सीता थी, जिनका जन्म हुआ था खेत में से हुआ था, आप सभी को पता ही है, हल से हुआ था। ठीक, तो वहां पे ज्ञान की नगरी कैसे बोली गई? क्योंकि वो लोग जाते थे, इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस होती थी, गोष्ठी होती थी, तो पार्टिसिपेट करते थे, तो वहां के जो विद्वान लोग रहते थे वो डंके की चोट पे ऐसा शास्त्रार्थ करते थे, ऐसा डिबेट करते थे, ऐसे तथ्यों को रखते थे कि एक्सचेंज करते थे अपने व्यूज को, तो ऑब्वियसली बाकी लोगों को समझ में आता था कि हाँ भाई इनके पास में नॉलेज है। उसके बाद में एडुकेशन सिस्टम को समझे तो आश्रम हुआ करते थे, आश्रम को आज की डेट में आप हर्मिटेजेस भी बोलते हो, जो कि आपके सेंटर हुआ करते थे, मतलब केंद्र, ऐसा केंद्र जहां पे स्टूडेंट्स जहां दूर दूर से जाते थे और डिस्टेंस लर्निंग के लिए, जैसे आज डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन है, तो वैसे उस टाइम पे आश्रम हुआ करते थे अपनी लर्निंग के लिए। वो जो भी फेमस आपके ऋषि हो गए या सेंट हैं जो भी फेमस आश्रम में जाते, जैसे भारद्वाज ऋषि प्रयाग, जो प्रयाग में है, तो वहां पे हम चले गए वहां पे पढ़ने के लिए, हम रुके अपनी शिक्षा दीक्षा को ग्रहण किया, हम चले आए। जैसे आप आज हॉस्टल में जाकर के रहते हो, उस वक्त आश्रम में जाकर रहते थे। विद्यापीठ क्या था? विद्यापीठ एक प्रकार का ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था जहां पे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को पढ़ाया जाता था, जहां पे आपके जो ग्रेट आचार्य, आचार्य माने कौन? जो वेदों को पढ़ाते थे या वेदांग को पढ़ाते थे फ्री में, वो भी, तो जैसे कि आपके श्री शंकराचार्य हो गए, या द्वारिका, पूरी, बद्री, कांची, श्री श्री श्रृंगेरी, ये सारे आपके विद्यापीठ हुआ करते थे। मतलब विद्या का पीठ, पीठ माने कि एक ऐसा स्थान जहां पे आप एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपने बना दिया है, वहां पे बड़े बड़े जो आचार्य हैं वो जाते हैं और बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं। उसके बाद में घटिकास थे। घटिकास क्या थे? यहाँ पे बोर्ड टीचर एंड पीपल मीट एंड डिस्कस, यहाँ पे अलग जगह से शिक्षक भी आते थे और शिक्षार्थी भी आते थे और मिलते थे और डिस्कशन करते थे। कल्चरल स्कॉलर्स आते थे, यानी कि साहित्यिक विद्वान आते थे जो मिलते थे, डिस्कशन करते थे, कभी कभी थॉट्स में क्लैशेस भी होता था, क्रिटिसिज्म भी होता था, वो सारी चीजें होती थी। अग्रहारीज थे। अग्रहारीज का मतलब होता है ब्राह्मण्स इन विलेज, दे वर यूज टू टीच। ठीक, फिर मठ भी हुआ करते थे। मठ का मतलब ये कि रिसाइड करते थे, मतलब रहते थे, रिलीजियस और सेक्युलर इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करने के लिए मठ बना दिया करते थे। और मठ का मतलब जो शैव और वैष्णव सेक्ट के लोग थे, सेक्ट का मतलब होता है संप्रदाय, तो शैव संप्रदाय के लोग थे जो शिव जी को मानते थे, वैष्णव संप्रदाय का मतलब जो विष्णु की भक्ति करते थे, विष्णु भगवान की भक्ति करते थे, तो वो लोग जो मंदिर, क्योंकि अब यहाँ पे शैव विष्णु का मतलब यहाँ पे मूर्ति पूजन से हो गया, तो मठ में मूर्ति पूजन और शैव विष्णु सेक्ट या संप्रदाय के जो लोग थे या जो इनपे विश्वास और आस्था रखते थे, वो लोग यहाँ पे आते थे शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करने के लिए। ब्रह्मपुरी भी हुआ करता था। ब्रह्मपुरी पुरी में क्या था? जो ब्राह्मणों का टाउन हुआ करता था, मतलब एक ऐसा कस्बा, एक ऐसा शहर जहां पे ब्राह्मण लोग रहते। पूरी का मतलब क्या होता है? पूरी का मतलब होता है स्थान, जगह। ठीक, तो ब्रह्मपुरी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा स्थान, एक ऐसा जगह जहां पे ब्राह्मण लोगों का वास हो। विहार का मतलब क्या हुआ? विहार का मतलब कि कोई जो बाहर से आया हुआ है घूमते विचरते, वो पढ़ने के मंशा से नहीं आया, वो विहार के मंशा से आया है, मतलब कि वो लीजर करने के लिए आया है, बस वो एक्सप्लोर करने के लिए आया है। और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में, यानी कि बुद्धिस्ट मठों में ये लोग आते थे, जहां पे बुद्धिस्ट यानी कि बुद्धिस्ट संप्रदाय के लोग प्रीच करते थे, यानी कि पूजा करते थे या प्रेयर करते थे या उनके दर्शन शास्त्र को समझते थे या उनको पढ़ाया जाता था, तो उनको विहार बोलते थे। ये विहारा नहीं है, हिंदी में इसको विहार कहेंगे। ठीक, इतनी चीजें थी आज के सेशन में। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही करते हैं। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो, और क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल फ्री है, सो इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं है, यूजीसी का एग्जामिनेशन है, और मुझे लगता है कि फ्री में आपको सारे मटेरियल्स एंड कंटेंट्स मिल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहां पे आपसे 1 रुपए शुल्क नहीं लिया जाता है और आपको सारी चीजें दी जाती हैं, तो चीज का आपको विस्तार करना चाहिए। क्योंकि मैं देख रही हूँ काफी सारे यूट्यूबर्स हैं या जो भी हैं, किसी के बारे में बोलना तो नहीं चाहती हूँ, बट मुझे सिर्फ इतना कहना है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बियर नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते 20,000 रुपए या 5,000 रुपए या 10,000 रुपए, और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये बेसिक टीचिंग लाइन का एग्जामिनेशन है। तो आप लोग मार्केटिंग का शिकार मत होइएगा कि आप लोग ये मान लें कि भाई मैं बिना शुल्क दिए या बिना सब्सक्रिप्शन लिए मैं पढ़ नहीं सकता। जब हम लोग यूट्यूबर्स नहीं हुआ करते थे तो क्या आप लोग के GRF नहीं निकलते थे, या क्या लोग नेट नहीं निकालते थे? जब लोग यूपीएससी का एग्जामिनेशन, यानी कि हम अगर कहें IAS और PCS का एग्जामिनेशन भी, बच्चे बिना मतलब
कोचिंग जाए, सिर्फ सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, तो फिर ये तो बेसिक एग्जामिनेशन है टीचिंग लाइन का। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आपका दो पेपर है, एक पेपर वन है और दूसरा पेपर टू है। पेपर टू तो आपका खुद का पढ़ा हुआ पेपर है जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो इसमें आपको सिर्फ छोटी सी गाइडेंस मिल जाएगी, एक स्ट्रेटेजी आपको हेल्प मिल जाएगी, तो आप कर ले जाओगे। पेपर वन में मान सकती हूँ कि पेपर वन में आपके मैथ्स है, रीजनिंग है और इस प्रकार के सब्जेक्ट जो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, तो उसके लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फ्री में यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा ही देखिए, आप उनका देखिए जिनको आपको समझ में आता हो, लेकिन अपने पैसे की कीमत को समझिए, है ना। बहुत सारे जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ये बात उनके लिए है। जो अफोर्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली आपके पास में चॉइस है, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। आपको जिनकी भी बात समझ में आए, आप वहां से कनेक्ट होइए और वहां से आप पढ़िए, लेकिन अननेसेसरली मार्केटिंग का शिकार बस मत होइए। सिर्फ इतना सा मेरा एक मुद्दा है। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप जहां पे भी जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं, टोटली आपके चॉइस के ऊपर में है। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए ऑब्वियसली, तो आपको ज्ञानदा बाई शेफाली यहाँ पे जुड़ना होगा, क्योंकि यहीं पे आपको क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी। अभी हम लोग क्विज भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, मतलब कि अब से 5 मिनट बाद, इस सेशन के खत्म होने के बाद, मैं आपको कोड दूंगी टेलीग्राम के इसी चैनल पे। आप सभी इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे और प्ले करेंगे। पैशनेट बनिए, आप सभी लोगों के अंदर मोटिवेशन भर भर के होना चाहिए। थैंक यू गाइस फॉर सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई थिंक आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, है ना। ब्रह्मपुरी का आशय ब्रह्मा से है। ब्रह्मपुरी का मतलब होता है एक ऐसा, पुरी पुरी का मतलब एक ऐसा स्थान जहां पे ब्राह्मणों का वास हो या ब्राह्मणों का टाउन हो, ठीक, जहां पे ब्राह्मण निवास करते हो। और बताओ, क्लास की टाइमिंग 9 बजे है, क्रिएटिव वर्ल्ड एवरीडे 9 PM शार्प हमारी क्लास होती है। एंड यहाँ पे मैं आपको क्लासेस का अपना स्केड्यूलिंग भी बता दे रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिए, ताकि आप लोगों को क्लासेस के बारे में पता रहे। मैं स्क्रीनशॉट देने के लिए बता रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए, दिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ये है हमारे क्लास का टाइम टेबल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। हमारी क्लास हर दिन चलती है, एवरी डे, महीने के 30 के 30ों दिन। किसी दिन कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए या कोई अवकाश लेना ही पड़े, मजबूरी में तो अलग की बात है, मेरी क्लास 9 बजे एवरी डे चलती है। इस स्लाइड का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आपको सब पता चल जाएगा। दो जगह मेरी क्लास चलती है, एक गैनडा यूट्यूब चैनल पे चलती है बिल्कुल फ्री में, दूसरा अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाती हूँ बिल्कुल फ्री में। एक दिन यहाँ क्लास चलती है, एक दिन वहां क्लास चलती है, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे फ्री है। आपको कहीं भी कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, सब जगह फ्री है। यहाँ पे मैंने ये पढ़ा दिया है, ये पढ़ा दिया है, ये चल रहा है, हायर एजुकेशन चल रहा है। अन अकेडमी पे मैंने ये दोनों पढ़ा दिया, ये चल रहा है, ठीक है। मुझे वक्त मिला तो मैं स्लॉट टू भी शुरू करूंगी। स्लॉट टू में मैं क्या करूंगी कि जो मैंने अन अकेडमी में पढ़ाया वो यहाँ पढ़ा दूंगी, जो यहाँ पढ़ा है वो वहां पढ़ा दूंगी। लेकिन इसके लिए मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, क्यों? क्योंकि अभी एक टाइम दो दो यूनिट चल रही है, मुझे पेपर टू भी शुरू करना है। मेरा पेपर टू कॉमर्स है और मैनेजमेंट है, तो कॉमर्स तो मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी, और मैनेजमेंट और कॉमर्स के 60-70% जो सिलेबस है वो सेम है, तो जो कॉमन वाले हैं मैं उनको वो करा दूंगी। फिर मुझे वक्त रहा लास्ट में तो मैनेजमेंट के बचे हुए भी मैं करा दूंगी। मैनेजमेंट के वो यूनिट्स तो मैं करा ही दूंगी जो कि कॉमर्स और मैनेजमेंट में, मतलब दोनों में कॉमन है, मतलब कॉमर्स और मैनेजमेंट में जो कॉमन है वो तो मैं करा दूंगी। लास्ट में टाइम रहा तो एडिशनल जो बचे रहेंगे उनको भी करा दूंगी, ठीक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, और कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। दोनों क्लासेस का क्विज होगा, हाँ, क्विज में आप सभी लोग ज्वाइन होंगे, आ जाइए आप सभी लोग फटाफट से। और मैं आपको कोड दे रही हूँ, उस कोड के माध्यम से आप सभी लोग जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू गाइस, मिलेंगे हम लोग कल अपने टाइम पर, और आज के सेशन को यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच स्नेहा एंड एवरीवन। हाँ, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में नोट्स मिलेगा, नोट्स की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्योति जी मिल जाएगा, परेशान मत हो। कॉमर्स का सिलेबस मैम जून तक बिल्कुल हो जाएगा भाई, सबको हो जाएगा। बेहतरीन बेहतरीन, धन्यवाद। 7 बजे क्लास होती है, 7 बजे क्लास, जिस दिन 2 क्लास लगती है उस दिन 7 बजे मैं क्लास एक लगा देती हूँ, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशु, पशु मतलब पशु से संबंधित जो भी आपकी पढ़ाई होती है उसकी बात है सुरभि, ठीक है। हाँ, हिंदी में नोट्स रहेगा, नोट्स हिंदी में रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया निधि, बहुत बढ़िया निधि जी, बेहतरीन। चलिए, आज का सेशन फिर मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग कल। टाटा, शुभ रात्रि। आइए सभी लोग ज्वाइन करिए आप लोग क्विज में।